Hey guys, welcome back to another vlog. ये मेरा post birthday celebration vlog है. जब मेरा birthday था उसके कुछ time बाद मैंने ये vlog shoot किया था. इसको मैं properly edit नहीं कर पाई थी. बहुत time से ये पड़ा हुआ था edit करने के लिए. शाबाश. Also जो ये year रहा है 2024 इसमें मैं properly vlogging नहीं कर पा रही हूँ, ना ही constantly videos upload कर पा रही हूँ अपने channel पर, because there are lots of things that are going on in my life. जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब व गरीब हैं. जब मैंने बर्थडे सेलिब्रेशन किया था उसके कुछ टाइम बाद महावीर जयंती पड़ी थी, और उसके बाद से जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुए हैं उसका असर शायद लाइफ टाइम तक रहने वाला है. ऑल्सो गाइज, दिस इज वॉट आई हैव मेड सम डेज बैक. और मैं अपना कुछ ना कुछ दिन भर लगाई रहती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ ड्रॉइंग का चलता रहता है, क्रिएटिविटी, आर्ट वर्क, समथिंग लाइक दैट. एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. जब मेरा बर्थडे था सो आई हैव रिसीव दिस पार्सल फ्रॉम माई फ्रेंड, एंड ये बहुत ही स्पेशल गिफ्ट मिला है मुझे मेरे बर्थडे पर, जिसमें से ये परफेक्ट व्लॉगिंग किट निकला था. एंड दिस इज हैविंग वन ट्राइपॉड स्टैंड, वन LED फ्लैश लाइट, वन माइक्रोफोन, स्मार्टफोन, यूनिवर्सल होल्डर एंड रिमोट कंट्रोलर. एंड अभी भी मैं ट्राइपॉड स्टैंड और यूनिवर्सल स्मार्टफोन होल्डर का यूज कर रही हूँ. एंड बहुत ही परफेक्ट किट है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये गिफ्ट. एंड गाइज, इस ब्लॉग को आप प्रॉपरली पूरा देखिएगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की है, बहुत सारा कुछ खाया है मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन पर. एंड इस साल हम सारे दोस्तों का, जितनों का भी बर्थडे सेलिब्रेट हम लोगों ने किया है ना, वो बर्थडे के कुछ दिन बाद ही किया, मतलब सबका पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ है. सो दिस इज वॉट आई वॉज ट्राइंग टू से, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग ब्लॉग के लिए कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया था. मैंने सोचा था कि मेरा जो बर्थडे सेलिब्रेशन रहने वाला है उसी में आगे एड ऑन कर दूंगी, बट बर्थडे सेलिब्रेशन वॉज प्रॉपरली अ जैनिज्म रिलेटेड स्टफ, जिसमें मैं कुंडलपुर गई थी अपने मम्मा के साथ, भाई के साथ. एंड वहां पर क्या कैसा किया था मैंने अपने बर्थडे के दिन, और कैसा एक इंसान का बर्थडे होना चाहिए, वो उसमें कवर अप था. एंड इस वाले व्लॉग में हम लोगों ने फुल ऑन मस्ती किया हुआ था. सो इन दोनों को मैंने अलग अलग पार्ट्स पर डिवाइड कर दिया था. ऑल्सो गाइज, मैं लास्ट ईयर जब सुधा सागर जी के दर्शन करने आगरा गई थी, वहां पर मैंने बहुत सारे व्लॉग्स बनाए थे. फॉर एग्जाम्पल, ताजमहल गई थी, लाल किला गई थी, उसके बाद अहिशर पाशनाथ जी, सौरीपुर बटेश्वर कंपिला जी, इन सब के मैंने व्लॉग्स बनाए हुए हैं, बट वो अभी तक एडिट नहीं हो पाए हैं, बिकॉज पता नहीं मेरा क्या ही चल रहा है. मैं फुल टाइम फोन चलाती हूँ, बट क्या करती हूँ मुझे खुद नहीं पता है. सो प्लीज डोंट बी इन दैट जोन कि मैं प्रॉपरली व्लॉग्स अपलोड नहीं करूंगी. मैं कुछ टाइम बाद उनको एडिट करके अपलोड कर दूंगी. ऑल्सो इस साल सुधा सागर जी का चातुर्मास हमारे सागर में हो रहा है. सो जितने भी लोग जैन हैं वो सभी इनवाइटेड हैं, आइए सुधा सागर जी के हमारे सागर में दर्शन कीजिए. और अगर आप आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग वहां पर लिख दीजिएगा मुझे कि वी आर कमिंग ऑन दिस और दैट डे. हो पाया तो हम लोग जरूर मिलेंगे. सो लेट्स बिगिन दिस व्लॉग. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, अभी हम लोग आ गए हैं हमारे मेन अड्डे चाय सुट्टा बार के पास में. भाई उसकी गाड़ी है और ये लोग सब मेरा पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं. यू आर चालाक ब्रो. ये चारू भाई, पीयूष भैया आए हैं खास मेरे लिए इंदौर से. थैंक यू सो मच पीयूष. ये जय जय तो भाग गया. और ये अनुज, पता नहीं क्या लेके जा रहा है अनुज. ये क्या है पॉलीथिन के अंदर? अच्छा, घर के लिए बर्फी ली है उसने. ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके गाइस. चलिए हम लोग चलते हैं कहीं खाना ठूसेंगे. ये प्री डिसाइडेड हो या ना हो कि हम लोग बर्थडे कहाँ सेलिब्रेट करेंगे, भले हम लोग यहाँ आके चाय सुट्टा बार पे डिसाइड करें कि हम लोग कहाँ पे जाने वाले हैं खाने के लिए, बट ये डिसाइड हो जाता है एक सेकंड के अंदर कि क्या खाने वाले हैं. जैसे कि अभी हम लोग के सबके मुंह से एक ही चीज निकली, छोले कुलचे खाएंगे. और ये आ गए हम लोग सागर गहरे. जाओ जाके कोई एक जन ऑर्डर सोचो. मैं तो बच गई गिरते गिरते. कहाँ बैठेंगे? यहीं बाहर कहीं बैठ जाएंगे अपन लोग. ये मेरी पलटन. चलो गाइस चलते हैं. चलो 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 चलो. कहाँ बैठना है? थैंक यू. क्या घर लेके जा रहे हैं? इतना गंदगी फैला फैला के ये लोग केक निकाले. मेरा बर्थडे केक निकले आइस केक केक केक. ए वो टोकन लेके कोई एक जाना फालतू. जो काम कीजिए नहीं जला लाइटर लाइटर निकाल ले. अच्छा का होते हैं भाई सारे लोग लाइटर जला ले. क्या है इसमें? निकालो ना इसको, जलाओ. करो मेरे केक को अनरैप, अनबॉक्स. हाइट चिका लेके आया है गाइस. चिका चिका चिकन लिखा. हैप्पी बर्थडे टैग होगा ना? हाँ लगा दो तुम ले जाइयो. अरे
ये काम मैं सबके बर्थडे पे करती हूँ। प्यारा केक दिख रहा है गाइस, वाओ। हमें तो अनुज का बर्थडे जहाँ सेलिब्रेट हुआ था वो जगह बढ़िया लगी थी, क्योंकि उनने अलग से अपन को वो सब चीज उठा उठा के दी थी, है ना, डाइनिंग टेबल वगैरह। मैंने एक दिमाग ये चारू है यार, उनको तुम रख लो बाद में। जय कितने का केक आया है? पता पैसा तो बताओ, कितने का आएगा? कितने का भाई? सबको आगे देखो, देखो ये जो भी कमरा का रेट सुन के मुझे इस चीज से बहुत शौक हुआ है। 700 का केक आया? एक तो 70 का फीलिंग है, बाकी 630 तो नहीं करती हो, फिर 700 का खर्चा किया है भाई। हमने तो पेमेंट हमने किया था पहले, अनुज को खिला दे यार। नहीं जय को खिलाओ पहले, जय का पहले पेमेंट मेरा, मैं को जिसको खिलाना वीडियो बना तुम चारो। नहीं जय का पेमेंट पहले आया, कल लग रहा है यार तो कि चारो गणेश को खिला दो, गणेश सही थे। अब सुनो, हमने उससे मत खिलाना बच्चा, इधर नहीं आए उस चाकू से, अब हमें मत खिलाना, बस ये याद रखना। काटना भी नहीं हम हाथ से काटेंगे, हाथ से काटेंगे। हो गया वह सब तो क्या इतना इतना बैर विरोध मत अनुज, अच्छे से वीडियो बना। हाँ अच्छे से बना रहे ना, ये को डाल इंस्टा पे और सिंधी को तैयार कर। कौन सिंधी? लाल वाले इंसानों की तरह भाई, वो कॉलेज जैसा हाल ना हो अपना, याद है मिठाई वाला हाल ये हाथ में लो, बस हो गया बड़ा था, काट दे काट दे जो बिना बनने कर, अब भर गया मेरा पेट में, अच्छा लग रहा है। काटना काटना वो और देखो अच्छे से काट, अभी क्या कर रहा है बे, खराब मत कर बे केक। केक की बैंड बजाते हुए ये लोग देखो अनुज को तो वहाँ पर भाई पता चला यूट्यूब पे डाल दिया उसने, आदमी तो जानवर कहाँ है, अंदर स्ट्रॉबेरी है गाइस। ये मेरा केक खत्म नहीं हो पाया लोग का, अच्छा अच्छा टेस्टी केक है। इस बार पहली बार चॉकलेट केक के अलावा कुछ मेरे बर्थडे पे आया है ऐसा, हाँ दूसरी वैरायटी आई, पहली बार ऐसा हुआ है। तुम भी चलना बे, तुम पहले का तुम क्या करोगे, जाओ जल्दी ऑर्डर लेके आओ, टोकन तो ले जाओ, चम्मच कम नहीं वो रख के टिशू लेके आना, टिशू यार ऐसी गंदगी मचा के गए हैं ये लोग, बाप रे कितना गंदा कर रखा है मेरे हाथ को, टिशू आ जाए, टिशू नहीं मिला, यूज्ड टिशू जाने मेरे को, अच्छा लग रहा है क्या, अब बटेरबाजी करके हे रे क्या कह रहा, अनुज कभी तारीफ नहीं करता है किसी की, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो हमेशा वो हमेशा चाशनी है पर होकर बेइज्जती करता है।
है हम जा कर देखो एक बच्चा खेल रहा है वो दे देंगे उसको इधर फोटोज क्लिक होने की बात और हो रही है खाओ 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 केक का लास्ट पीस खाएगा पूरे ने खाइयो पूरे ने मेरे को भी थोड़ा सा बचा रहना इतना मैं खा लूंगी खा तो लो शांति से वो कह रहा रुकना अपन फूल का डिवीजन फूल का डिवीजन जय को बड़ा क्या जय ही तो था वो बोल रहा था जो पीछे वो आंटी खड़ी उनके बच्चों को देंगे ये मेरा है ये बचा कुचा मेरे को दे रहा है अनुज लो खा ले खा ले ये देखो प्यार गाइस दोस्ती क्या है हाँ प्यार दोस्ती है दोस्ती प्यार है अच्छा बट बटा जैसे इज्जत से क्या रख देना आप वापस खत्म हो गया इसमें मतलब शादी नहीं हुई नहीं हुई नो ब्रेकअप नो सॉरी नो थैंक यू तुमने ये सब क्या अपोजिट किया तुम्हारा क्या हुआ जब तक मेरा खाना नहीं आएगा तब तक पीयूष को ये सैंडविच नहीं दिया जाएगा गाइस ये पीयूष का ऑर्डर था लेकिन वो यहीं पर रहेगा जब तक मेरे को खाने के लिए नहीं मिल रहा है कुछ और ये देखो नाम लिया और खाना हाजिर मेरे को क्या पता आ जाओ ये देखो मेरी थाली आई मेरी थाली ये ले तेरा सैंडविच मेरे को दे एक थाली ये मेरी थाली ये हटा दो ना ये अब काम का तो बच्चा नहीं है कुछ उसमें ये चारू अनुज जय और ये मेरी थाली आई पानी की जगह कोका कोला लाया A few moments later. After party. पीयूष अनुज हर्ष लेकिन जय अभी भी ये हमेशा लास्ट तक आता है उसके पास बहाना रेडी रहता है गाइस बात क्या प्लान है गाइस हमारा इसके बाद कहाँ जाना है कोई आइडिया नहीं अनुज बताएगा ना इसके बाद कहाँ जाना है अनुज घर घर हर जाने हैं हम लोगों को जल्दी से जल्दी वापस गाइस पीयूष से पार्टी लेना है हम लोगों को पीयूष हम लोगों को आइसक्रीम खिला रहा है नहीं आइसक्रीम आइसक्रीम या कोल्ड कॉफी बस उससे ज्यादा कुछ नहीं चल सकता चलो आइसक्रीम चलो ऑर्डर चलो बटरस्कॉच फटाफट से बिल पे करो फटाफट चलो चॉकलेट आइसक्रीम खाऊंगी यही आके बैठ जाएंगे कौन सी वाली आ जाओ कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं चलो बिल पेमेंट मेरे को देख लें यही वाली दे दो सबको ये मेरी है पेमेंट करो चलो फटाफट खुद का कितना भी खर्चा कर लो लेकिन दूसरे के पैसे का खाना दूसरे के पैसे का खाना ही होता है बस 10 का और ले लो कुछ 200 करवा टोटा क्यों कम करवाए तुमने पैसे दोस्त है यहाँ दोस्ती यार ही देख रहे कितना लूट देके बाद लेंगे कहीं से आइसक्रीम और खाएंगे कहीं और बैठ के देखो तो हम लोग सागर गेरे पे आ गए मोसे आइसक्रीम लेके सागर गेरे सागर हाय गाइस सो मैं ना दोस्तों के साथ पार्टी करके मंदिर जी आ गई थी और मंदिर जी से आते हुए मैं अपनी सुहू को लेने चली गई थी एंड ना जब मैं जा रही थी तो सुहू मुझे मिली थी है ना सुहू
एंड सुहू ने मुझसे बोला था कि दीदी कहाँ जा रही हो, मुझे केक लेकर आओगी क्या, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि मैं पार्टी करने जा रही हूँ, है ना बेबी। सो उसको बहुत इंतजार था केक मिलेगा, बट उसको केक नहीं मिला है। और ये मेरी शुहू आजकल स्कूल जाने लगी है गाइस, बहुत प्यारी क्यूट बेटू है। एंड ये उसका बेबी है, एंड ये उसका बड़ा भाई है जिसका नाम है शौर्य जैन, और ये तो स्कूल जाते ही ऑलरेडी। तो मैंने शुहू को बोला है कि मैं उसको बाद में केक ला करके दूंगी, बट वो थोड़ी सी गुस्सा हो गई है और उसको थोड़ी सी सर्दी हो गई है, मुझे भी सर्दी है थोड़ी थोड़ी, है ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, थोड़ी सी मस्ती करेंगे, एंड इस व्लॉग को हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय कर दो, बाय, टेक केयर, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट, जय जनन, जय जनन।